राजधानी रायपुर का जाना माना रुंगटा कॉलेज दिवाले हो चला है। रुंगटा कॉलेज के आधा दर्जन गारंटर्स भी एक एक रुपए के लिए जूझ रहे हैं। हालात इतनी बुरी हो चली है कि अब कॉलेज की बिल्डिंग भी बिकने की कगार पर है। लेकिन यदि बिल्डिंग बिक गई तो इसका पैसा रुंगटा एजुकेशन सोसाइटी के हाथों में नहीं जाएगी। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में जुटे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले में सुलझाने के लिए सरकार को समिति बनाने को कहा है। इस समिति में भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की प्रतिनिधि रहेंगे। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले में अब आगे की सुनवाई कल होगी। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 7 लोगों के मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि 25 लोग से ज्यादा घायल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और गैस के टैंकर की आमने सामने टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ितों की हर संभव सहायता के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। और बिलासपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि ये घटना बिलासपुर जिले के रतनपुर इलाके के बुधवार को सुबह हुई है। यह हादसा बाइक सवार पर 2 युवक सवार थे, एक ट्रक से जाकर टकराने की वजह से यह घटना हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर रतनपुर पुलिस पहुंच गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे की जांच की जा रही है। हर केंद्र की मोदी सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। देश के 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को अब एयर इंडिया की टिकट आधे दामों में मिलेगी। इसकी जानकारी विमानन मंत्रालय ने बुधवार को साझा किया है। इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी एयर इंडिया की वेबसाइट पर दी गई है। हर देश की राजधानी में कोरोना का संक्रमण दर अब 2% के नीचे आ गया है, जिसके बाद से कोरोना की तीसरी लहर के बारे में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि मई के महीने के बाद पहली बार संक्रमण दर 2% से नीचे रही है। मैं अब भी लोगों को मास्क पहनने की गुजारिश करूंगा। मैं यह नहीं कह सकता कि कोविड-19 की तीसरी लहर खत्म हो गई है, मगर इसका प्रभाव अब कम होता नजर आ रहा है। हरदंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी में 23 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या की गई है। अज्ञात आरोपियों ने सोमवार की देर रात महिला शोर न मचाए इसलिए पहले मुंह में कपड़े बांधा, महिला भाग न पाए इसके लिए पैर बांधे। इसके बाद कपड़े का ही फंदा तैयार किया गया, उससे मृतका का गला दम घुटने तक कस दिया गया। और वही आए दिन ट्विटर पर किसी न किसी चीज को लेकर बॉयकॉट या बैन करने जैसी सुर्खियां बनी रहती है। वही इस बार इसके लपेट में आश्रम वेब सीरीज आ गई है। बता दें कि ट्विटर पर अचानक से बैन आश्रम वेब सीरीज ट्रेंड करने लगा। इस दौरान लोगों ने ट्विटर पर जमकर इस ट्रेंड को चलाया। इस सीरीज से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। कई यूजर्स के साथ ही हैशटैग बैन आश्रम वेब सीरीज हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्वीट किया जा रहा है। सीरीज को बैन करने की मांग लगातार की जा रही है। हर राजधानी रायपुर में अपराधों का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में शारीरिक शोषण के मामले भी बढ़ गए हैं। इसी प्रकार का एक और मामला तिलीबांधा थाना इलाके में सामने आया। मामले में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम नवीन विधानी है, जो महज 18 साल का है। वह राजधानी के आमानाका इलाके का रहने वाला है। बताया ये जा रहा है कि उसने पहले एक युवती से दोस्ती की जो नाबालिग है, फिर उसे प्यार के झांसे में फंसा लिया गया। प्यार के आड़ में युवक लंबे समय से उसके साथ संबंध बनाता रहा। इतना ही नहीं, नाबालिग को अश्लील फोटो लेकर उसे वायरल करने की धमकी देते हुए 7 लाख रुपए तक ऐंठ लिया गया था। हरोई भाजपा मंडल स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय गरियाबंद पहुंचे, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लूटमारी इतना अधिक हो गया है कि हर कोई परेशान है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को जो बोला था वह पूरा नहीं कर पाए, वह अब तक आधा अधूरा ही काम चल रहा है। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, शासकीय कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है और यह सरकार सिर्फ भाषणबाजी और लच्छेदार बातें करती रही है।